हेलो एवरीवन, भाई देखो यार, एनटीए ने फाइनली रिप्लाई दे दिया। जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या किया है उन्होंने भाई। तो कंट्रोवर्सी किसी से छुपी हुई नहीं है। इतने सारे एलिगेशंस लगे, इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं, उन सभी इल्जाम के बदले अब हमें एनटीए ने फाइनली रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने एक पीडीएफ, एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलो आप देख लेते हैं और उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी सफाई में, इन सारे एलिगेशंस की सफाई में क्या क्या बोला है, चलो आप जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो भैया ये रहा उनका ऑफिशियल पीडीएफ जो उन्होंने रिलीज किया, ये प्रेस रिलीज है भैया जी। तो ये 6 जून को आई है, ताजी ताजी है बिल्कुल, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें मेंशन कर रखी है जल्दी से, ठीक है। द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 5 मई 2024। 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया भैया, ठीक है जी, ओके। इन लाइट ऑफ रीसेंट क्वेरीज रेज बाय द कैंडिडेट, इट हैज बीन फेल्ट नेसेसरी टू इश्यू द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। फाइनली एनटीए को यह एहसास हो गया कि इतना सारा जो मैशअप हो रहा है, बच्चे केसेस कर रहे हैं भैया एनटीए के ऊपर, केस हो गए भैया, बहुत सारे केस हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐसा लगा कि चलो यार, अब रिप्लाई देने की बारी आ गई है, अब हमको रिप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया, सबसे पहला पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है कट ऑफ ऑफ नीट 2024 कि भैया कट ऑफ की बात हो रही। देखो अब इन्होंने पूरा होमवर्क अपने हिसाब से करके हमको जो कुछ भी दिया है अपन पढ़ेंगे तसल्ली से और थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इन्होंने कहा है कि भैया 2020 में जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी, मिनिमम स्कोर की बात की जा रही है, 147 की बात हो रही है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। 2021 में देखो ये 2021 में 147 147 से कम हो गया, 138 हो गया, कम हो गई कट ऑफ 2021 में, कट ऑफ कम हो गई, ठीक है। फिर 2022 में फिर से कम हो गई, समझ रहे हो बात को, ठीक है, समझते जाना। एवरेज मार्क्स इसकी भी बात की जाएगी बेटा, भी इसकी भी बात की जाएगी, तुम देखते जाओ यहां पे कितनी कमी आती जा रही, यहां कितनी कमी आती जा रही। देखो एकदम से यहां जाने क्या हुआ कि 137 से 164 हो गया, पता ही नहीं है बॉस क्या हुआ, है ना। अब यहां देख लो भैया, एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 2720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये है बेसिकली कट ऑफ, ठीक है। अब पहले 2020 में 297.18 की बात हुई थी, ये कट ऑफ गई थी, इसमें मतलब मान के चलो कि क्वालिफाई हो गया था बंदा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से कम हो गई भैया, 2020 से 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ गिर गई। फिर 2021 से 2022 की जब बात आई तो कट ऑफ 286 से 259 फिर से गिर गई, देख रहे हो कट ऑफ गिर रही है, ठीक है। और देखो ईयर बढ़ता जा रहा है ना, 2020 21 22 यार, ईयर बढ़ता जा रहा तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ना चाहिए, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी बढ़नी चाहिए, लगातार बढ़नी चाहिए, हर साल बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी, ठीक है सर। उसके बाद देखा जा गया कि 2022 से 2023 जब आया तो कट ऑफ 259 से 279 गई, प्लस 20 हुई बेटा, ध्यान रखना यहां प्लस हुआ, ठीक है, कट ऑफ रेज हुई, कट ऑफ जो गई थोड़ी सी बढ़ गई, 20 बढ़ी। चलो यार 20-25 तो समझ में आता है कि कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 मार्क्स ज्यादा आई, या कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस साल 20 मार्क्स ज्यादा आई। अब तुम कमाल देखना जरा, 2023 से 2024 में जो कट ऑफ गई वो 279 से रेज होके 2323 हो गई, लगभग 43 मार्क्स का गैप, समझ रहे हो। पिछली साल से इस साल जो कट ऑफ का रेज हुआ है, कट ऑफ में जो उछाल आया है, लगभग 43 मार्क्स का आया। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आगे इन्होंने बताया कि 20 लाख समथिंग लोगों ने पिछली साल 2023 में नीट का एग्जाम दिया जब कट ऑफ ये गई थी। अब वो बता रहे हैं, आगे इन्होंने लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको कि अब इस साल 23 लाख के आसपास, 24 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया तो कट ऑफ तो रेज होगी ही होगी, इतनी कट ऑफ रेज हो जाएगी, 40-45 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं सर जी, ठीक है, लेट अस टेक एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आगे का देख लेते हैं भैया। कंपल्सरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, अब देखो और कमाल की बात, देखो सुनते जाना भैया, कुछ कुछ स्टेट में लोगों ने केसेस कर दिए इन लोगों के ऊपर एग्जाम्स के हाल बाद, कहां से सर, ध्यान से सुनना बेटा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यहां के कुछ लोगों ने केस करे भैया एनटीए के ऊपर, केसेस करे, रिट फाइल करी, और उसमें बोला गया कि भैया हमें समय कम मिला, समय टाइम का लॉस हुआ है। अच्छा, जहां जहां लोगों ने केसेस करे बस वहीं पे टाइम की कमी पड़ी क्या, वहां पे टाइम लॉस हुआ क्या बच्चों का? कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर लोग केस नहीं कर पाए,
लोग अपने कंसर्न को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उनके टाइम में भी कमी हुई। वो लोग क्यों, उन लोगों को क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए गए, उन लोगों को क्यों ग्रेस नहीं दिया गया? ग्रेस सिर्फ उनको मिलता है क्या जो अपना कंसर्न आगे फाइल करेंगे? भैया हम तो जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, हम तो केस करेंगे, हम तो कोर्ट जा रहे हैं, हम केस करेंगे, हमारे सेंटर पे पेपर 20 मिनट लेट शुरू हुआ, 30 मिनट लेट शुरू हुआ। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होते जो बेचारे डरते हैं, नहीं जा पाए, नहीं शिकायत अपनी कर पाए आगे, उनका क्या, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे? कोई एक सटीक तरीका ही नहीं है कि भाई पता कर पाए कि हम जो एग्जाम करा रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं, पता ही नहीं है, तरीका ही नहीं है ना कोई। आगे देख लेते हैं सर। फ्यू रिट पिटीशंस वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ ई एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ दिस एग्जाम एट फ्यू एग्जाम सेंटर्स। कुछ एग्जाम सेंटर्स में बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। ऐसा कैसे पता चला एनटीए को? एनटीए के ऊपर केसेस हुए, रिट्स दायर करी गई। कहा भैया? इन स्टेट्स में, ठीक है। द कंसर्न रेज बाय द कैंडिडेट थ्रू द रिट पिटीशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर रिड्रेसल। बात ऐसी है, एनटीए यह कह रहा है कि भैया हमने उनकी बातें सुनी और कंसिडरेशन कंसिडर किया, उनकी बातों को हमने सोचा, ठीक है भाई। Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and academia was constituted to look into such grievance representations and to submit its recommendations. NTA कह रहा है, इन सब चीजों को देखने के बाद जब हम पे केसेस हुए, जब हम पे शिकायतें आई कि भैया हमारे एग्जाम में 20 मिनट की देरी हुई, हमारा एग्जाम में हमें 30 मिनट कम मिला, तो इन सब चीजों को हमने बहुत गंभीरता से लिया और फिर हमने कमेटी बनाई, बड़े एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई और उनसे कहा कि भैया अपनी रिपोर्ट दो, हम क्या कर सकते हैं इन सब चीजों में, कैसे हम बच्चों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो हम कमेटी ने क्या बोला। द कमेटी कंसीडर द ग्रीवियंस रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स। अब इनकी फैक्चुअल रिपोर्ट्स क्या है, सुनते हैं ना। कमेटी ने सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस देखे, कमेटी ने बहुत सारी चीजें देखी और कमेटी ने बोला कि हाँ भैया बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, ठीक है, मान ली एनटीए ने बात। The loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with marks based on their. मैं चाहता हूं कि आप यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। उनकी पूरी की पूरी टीम जो बनाई गई, पूरी की पूरी जो कमेटी बनाई गई, उनने पता क्या कहा? हाँ भैया बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। वी हैव टू कंपनसेट। कैसे? कंपनसेट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। उनको ग्रेसेस दे दो, बढ़ा दो उनके मार्क्स। कैसे बढ़ेंगे भैया? कोई फॉर्मूला बना। अब फॉर्मूला क्या है भैया, अपन को नहीं पता फॉर्मूला क्या है। देखो, एज पर मैकेनिज्म फॉर्मूला एस्टैब्लिश बाय ऑनरेबल एपिक्स कोड, जो भी है 13, जो भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम। कैंडिडेट्स को लॉस ऑफ टाइम, उनके समय में कमी हुई, उसकी वजह से उनको कंपनसेशन दिया। कैसे बेटा? And the revised marks of such candidates vary from -20 to 720 marks. इन्होंने ये किया कि भैया जिन्होंने रेस करे थे कंसर्न, उनको हमने ग्रेस दिया, उनको हमने कंपनसेशन के तौर पे ग्रेसेस दे दिए, ठीक है भाई, मान ली आपकी बात। और फिर जाके आपने सुना होगा ना कि भैया 718 नंबर आ ही नहीं सकते, 719 नंबर आ ही नहीं सकते इकाई में, नीट में। तो इन्होंने आगे कहा, amongst these the score of two candidates also happened to be 718, 719 marks. कि भैया इन सब चीजों के चलते दो कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं 718 और 719। ये इनका रिप्लाई है। अपन लोग रेस कर रहे थे ना, कई लोग रेस कर रहे थे, हजारों लोगों ने रेस किया कंसर्न के भाई साहब नीट के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 718, 719 मार्क्स आए हैं कुछ लोगों के, दो तीन बच्चे जितने भी हैं, कैसे आ गए? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने ये रीजन दिया कि भाई साहब उनको ग्रेसेस मिले हैं, ग्रेस के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स 718, 719 गए, ठीक है भैया। ऑन द एनालिसिस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज इट वाज असर्टेन्ड दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज एट दी सेंटर्स। समझे? अभी भी अड़े हुए हैं कि भैया हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखे और हम ये कह रहे हैं कि जो सेंटर्स थे, एग्जाम सेंटर्स, वहां पर किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, एग्जाम लीक नहीं हुआ, कोई भी स्कैम नहीं है, हम लोगों ने पूरी शिद्दत से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, आप लोग हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ये एनटीए ने रिप्लाई में कह दिया भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब टॉपर्स की बात कर लो भैया। रैंक वन यानी कि 720 में से 720, पिछले साल दो टॉपर्स थे, दो रैंकर्स थे जिनके 720 से 720 थे,
इस बार 67 लोग हैं। कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। यहां पता है ये क्या बोल रहे हैं, यहां ये बोल रहे हैं कि पिछले साल 20 लाख बच्चे थे तो दो टॉपर निकले थे, इस साल 24 लाख बच्चे हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, बच्चों ने तगड़ी मेहनत करी और ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा तो ज्यादा टॉपर्स निकल के आए। अरे बबुआ, हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं, 20 लाख बच्चों में से, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 20 लाख में से दो टॉपर्स निकले, 24 लाख हो गए, 20 से 24 लाख हो गए ना। हां सर, कितना परसेंट बढ़ा भैया? 20%। 20 लाख से 24 लाख हो गए, 20% बढ़ाना। टॉपर 2 से 67 हो गए, 67 हो गए, वाह, यहां कितना परसेंट बढ़ गया? मतलब एप्लीकेंट्स 20 लाख से 24 लाख हो गए, ठीक है, मान रहा हूं मैं कि 24 लाख में मतलब 4 लाख एक्स्ट्रा बच्चे और आ गए पिछली साल के मुकाबले। तो टॉपर्स यार 2 थे पिछली साल, 3 हो जाते, 4 हो जाते, 5 हो जाते, 720 में से 720 4 लोगों के आ जाते, 5 लोगों के आ जाते, 67 बच्चों के यार 720 में से 720। अचंभित वाली बात है भैया, या तो हम नहीं समझ पा रहे या एनटीए नहीं समझा पा रहा, बात तो यही है। ठीक है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20 लाख के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। नाउ 2024 इट इंक्रीज बाय 23, मतलब मैं मान लेता हूं इसको, मैं देखो वैसे 20 लाख 38,000, 23 लाख 33,000, तो 3 लाख ही बढ़े भैया, 4 लाख भी नहीं बढ़े, अप्रोक्सीमेट 24 लाख कह रहा हूं मैं, ऑल्दो देखा जाए तो लगभग लगभग 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। द इंक्रीज इन कैंडिडेट नेचुरली लेड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोरर्स, भैया कैंडिडेट का नंबर बढ़ गया, 20 लाख थे अभी 24 लाख हैं, तो कैंडिडेट का नंबर बढ़ गया तो हाई स्कोरर्स का भी नंबर बढ़ गया। कितना बढ़ा? 2 थे भाई साहब पिछली साल, तुम पिछली साल से कंपेयर कर रहे हो ना, अभी बताओ 20 लाख से 2 लोग ने टॉप किया, 2 लोगों ने 720 से 720 लाए, 24 लाख में 67, यार मुझे तो कहीं से कोई मैथ समझ में ही नहीं आ रही, थोड़ी तो मैथ समझा यार यहां मुझे। ठीक है सर जी, हाई स्कोरर ड्यू टू अ लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है आगे सुनो। एनटीए रिसीव्ड, ये एनटीए के मैसेज पढ़ रहा हूं मैं, 13,373 चैलेंजेस केसेस जो भी समझना हो आपको, टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन। भैया एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, उसका ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और था, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और था, और 4 ऑप्शंस में से बेसिकली देखा जाए तो एक आंसर था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, और दूसरा आंसर एक और आंसर था उसमें, चारों में से 2 ऑप्शन सही थे, एक न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सही था, एक ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से सही था। तो यहां एनटीए ने माना है कि भैया हमने कंपनसेट किया है, हमने दोनों को आंसर मान लिया, मतलब यहां पर इन्होंने कंफ्यूजन क्लियर कर दी कि जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसके 2 ऑप्शन सही थे, हम उनका एक ऑप्शन नहीं, हम उसका 2 ऑप्शन ही सही मान के चल रहे हैं, 4 में से 2 ऑप्शन सही मान के चल रहे हैं, अगर आपने उन दोनों में से कोई सा भी टिक किया होगा तो हम आंसर देंगे, इन्होंने यह मान लिया। आगे बात करते हैं, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन द अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स। भैया ये 720 में से 720 में से 720 लाने वाले 67 बच्चों में से 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आने का जो रीजन इन्होंने बताया है वो बताया फिजिक्स के इस क्वेश्चन की वजह से बढ़ने वाले मार्क्स। ठीक है भाई, 6 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, और 6 उन इन 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस कहां चला गया पीछे वाली स्लाइड पे, जो टाइम लॉस की वजह से गेन कर गए। भैया आगे चलते हैं सर जी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। भैया वैसे 14 जून को आना था रिजल्ट, 14 जून को आना था, भाई साहब ने 4 जून को रिलीज कर दिया 10 दिन पहले। 4 जून को लोकसभा का भैया चुनाव का रिजल्ट आया, सब बिजी थे वहां, सब बिजी थे, चुपके से इन्होंने नीट का भी रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया का कवरेज कहां है भैया? लोकसभा चुनाव पे, लोकसभा चुनाव, इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है हर जगह, है ना, नीट को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो अगर इनके दिमाग में चला होगा मे बी कि भैया अगर हमें कुछ खुराफात करनी है तो चुपके से धीरे से 4 तारीख की शाम को रिलीज कर दो, शाम को या दोपहर को जब भी किया हो इन्होंने, रिलीज कर दो, मीडिया कवर करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मीडिया तो बिजी है लोकसभा चुनाव का कवरेज देने में। ठीक है भैया, क्या प्लानिंग थी यार, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर जी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एंटी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट इज डिक्लेयर्ड एज अर्लीस्ट एज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक्स इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड। ठीक है, इन्होंने कहा भैया जितनी जल्दी हो सका हमसे काम कंप्लीट हो गया, हमने रिलीज कर दिया, हमसे जल्दी काम निपट गया, जल्दी चेक का चाकी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो हमने जल्दी रिलीज कर दिया।
ठीक है। अब ये जेई मेंस और जेई एडवांस का अपन को वो दे रहे हैं क्या मिसाल कि जेई एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30 डेज। ठीक है भैया, द रिजल्ट ऑफ जेई मेंस 2024 सेशन वन का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 11 दिन में रिजल्ट का डिक्लेयर कर दिया था, और सेशन टू जो हुआ था जेई मेंस का उसका रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 15 दिन। द रिजल्ट ऑफ नीट हैज बीन प्रोसेस्ड एज पर द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात है ना। अब एनटीए अपनी तारीफ करेगा, एनटीए कह रहा है एनटीए हैज अ सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशन। भैया हमारी एनटीए बोल रहा है, मैं एनटीए हूं, देखो भैया हमारा एक अच्छा सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, आप उंगली नहीं उठा सकते, हम जानते हैं हम कितनी शिद्दत से कितनी पारदर्शिता से हर एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, मान ली भैया एनटीए की बात। Necessary information is shared with the candidate through advance ID intimations, admit cards, advisory. अभी अपनी समझ रहे हो ना, हम जय हो भैया एनटीए वालों की जय हो। ठीक है सर जी, आगे देखते हैं, पढ़ लेना बेटा, सामने ही है आपके। ठीक है, डन। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, ठीक है भैया, बहुत सारे केसेस हुए, उसमें केसेस में यह बोला गया कि भैया सेटिंग थी पहले से सेटिंग थी, एग्जामिनेशन सेट था, पेपर लीक हुआ, बहुत सारे एलिगेशंस लगे। ठीक है, अब इतना लंबा चिट्ठा इन्होंने लिखकर भेजा, इतना लंबा चिट्ठा इन्होंने सब कुछ दिखाया, क्या क्या बोल रहे हैं इसमें, पूरा क्या बोल रहे हैं सुनते हैं ना, जो मेन चीज मैं बता रहा हूं यहां से पढ़ो। एनटीए ऑल्सो इशूड अ डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन 6 मई स्टेटिंग दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक एज वॉज बींग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। तो भाई साहब एक न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल ने पहले ही पोल खोल दी थी, है ना, आप सब जानते हो वो न्यूज चैनल कौन सा है, और अगर गुस्सा भरा हो ना तो कमेंट में गुस्सा निकाल देना अच्छे से, क्योंकि बच्चों की ही ताकत चाहिए है अगर इस चीज को आगे ले जाना है और वाकई सबक सिखाना है। जो भी गलत है, मुझे पता है एनटीए डायरेक्टली गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग करप्ट होते हैं, तो एक या दो लोग करप्ट होने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट नहीं हो जाती है ना, यह बात एनटीए को माननी चाहिए, लेकिन मानेगा नहीं पता है मुझे। ठीक है सर जी, यह पूरा प्रेस रिलीज इनके हिसाब से था। तो यहां से बेटा खत्म हो गया सेशन अपना, मतलब सेशन क्या था यार, एक अपडेट देना था आपको, तो आपकी ताकत में बेटा बहुत बल है, प्लीज सब इकट्ठा रहो, री एग्जाम की डिमांड करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज पहुंचेगी, हम टीचर्स हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा है, उन बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बस अपनी आवाज बुलंद करो, है ना, अपने कंसर्न्स उठाना सीखो, क्योंकि ध्यान से सुनना एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स कभी भी किसी का भी वोट बैंक नहीं होते, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी आवाज पे इतनी तवज्जो ना दी जाए, इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, सबको साथ आना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 20,000 कम से कम 15,000 से 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस सो कॉल्ड स्कैम से भी बड़ी चीज बोलूंगा मैं तो, इसकी वजह से वो अपनी मेडिकल सीट खो देंगे, सीरियसली 15,000 से 20,000 अप्रोक्सीमेटली। तो साथ रहो, अपनी आवाज बुलंद करो और बोलो कि भैया अब आप नहीं दबा सकते, बहुत एलिगेशन लगते चले आ रहे हैं एनटीए पे, बहुत एलिगेशंस लगे दोस्त, बहुत सारे, एक दो होता तो समझ में आता यार, कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर यार कुछ लोगों ने प्रूफ कर दिया कि नकल के लिए उनके पास अकल भी नहीं है। क्या डॉक्टर बनेंगे ऐसे लोग यार, जो पैसा देके सीट्स ले रहे हैं, क्या डॉक्टर बनेंगे, जान लोगे यार आगे आप लोग चल के, थोड़ा भी लग रहा हो आपको कि हाँ आप कुछ कर सकते हो ना, तो अपनी आवाज उठाओ और इस वीडियो को शेयर करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।